हे एवरीवन, हो सके होंगे तो गाइस, आज हम जा रहे हैं सिंधु भैया के साथ, जा रही हूँ मैं। हेलो, कि मैं तो छोड़ने जा रहे हैं सैलून में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेयर कलर कराना, भाई गोल्डन कलर का वो भी। तो अभी ना यहाँ पे बारिश भी पड़ रही है, ये देख सकते हो कितने दूर दूर से बादल गरज रहे हैं यहाँ पे, और बारिश पड़ने भी शुरू हो गई है। नहीं तो मैंने स्कूटी लेके चल जाना था, बट मैं स्कूटी लेके जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो कैसे जाएंगे, है ना। तो अभी मेरे को संजय भैया छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड जो है ड्यूटी पे हैं, तो इसीलिए। तो गाइस, यहाँ पे इतना तूफान चल रहा है ना, देखो मेरे कपड़े भी गीले हो गए थोड़े। ओह माय गॉड, भागते हुए आई मैं यहाँ पे। अभी इतना तूफान शुरू हुआ, शुक्र है मैं स्कूटी लेके आई हूँ। स्कूटी लेके आई होती ना तो मैं उड़ ही जाती। और अभी टाइम जो है 7:45 हो गया, तो 7:45 बजे रात के 7:45 बजे घेर पे लग रहा है। वाह, अभी मिलते हैं भैया के साथ। हेलो भैया। हेलो, क्या हाल है? हाय गाइस, मेरे पास फोन किए 7:00 बजे शाम के 7:00 बजे। और लाइट चली गई है ना? लाइट आज आनी भी नहीं है, जिस तरीके से तूफान चल रहा है ना। और मैं बैठ गई हूँ अपनी चेयर पे, प्राण निकल जाते हो पता बोलते। अब जल्दी 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 काम फिनिश करके और घर के लिए तक। और आवाज़ सुन रहे हो कितनी ज़ोर से हो रही है। और गाइस, भैया ने ये स्ट्रीक्स में कलर लगा दिया, और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। थोड़े दिन ब्लैक कलर भी करके देख लिया, और रेड करके भी देख लिया, एंड गोल्डन। तो मुझे लगता है जहाँ तक मेरे पे गोल्डन सबसे अच्छा सूट करते हैं, क्या बोलते ना। मतलब पहले तो यहाँ ग्लोबल था, नीचे पहले आधा सा ग्लोबल था, और ऊपर से फिर स्ट्रीक्स थी। अभी सिर्फ स्ट्रीक्स होंगे, बाकी सारे बाल काले होंगे। तो मैं पता क्या सोच रही थी कि मतलब पहले मेरा मन था कि पहले मतलब आधा आधा वैसे ही सेम कलर ले आऊँ, जैसे आधा सा ग्लोबल और उसके बाद स्ट्रीक्स। फिर भैया बोलते हैं कि स्ट्रीक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब बाकी वाले काले वाले हैं, स्ट्रीक्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर बोलते हैं कि अगर कभी करवाना होगा तो ग्लोबल अलग से करवा लेना, तो वैसे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना स्ट्रीक्स कराई जाए। तो इससे जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, मेरे देवर की एंगेजमेंट है, तो उसके लिए ये तैयारियाँ हो रही हैं। करण की एंगेजमेंट है, तो उसके के लिए घर आई थी, और साथ में सोचा कि हेयर कलर भी करा ली। ये सब तैयारियाँ हो रही हैं उनके लिए बस, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अभी ब्लीच एंड और सब चीज़ें करनी बाकी हैं, तो देखते हैं। कल मैंने रेडी होने भी भैया के पास ही आना है, तो मतलब भैया के मुझे सारे काम A1 लगते हैं। तो हेयर कलर करा लो, मेकअप करा लो, सब कुछ भी करा लो, एवरीथिंग परफेक्ट बोलते हैं ना इसको, परफेक्ट वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं भैया के लिए। तो गाइस, अगर जो जिसने भी विज़िट नहीं किया अभी तक, तो वो आके विज़िट कर सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लगता है आना। मैं मतलब अगर मैं वैसे भी अगर मैं फ्री हूँ ना, तो मैं भैया के पास आ जाती हूँ गपशप मारने के लिए। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर ऑसम। और यहाँ पे जो लड़कियाँ लड़कियाँ हैं वो भी मतलब अच्छी, मतलब सारा कुल मिला के ये हीरो वाला, ज़ीरो वाला नहीं बोल रही हूँ, हीरो वाला बोल रही हूँ। तो जिसने भी विज़िट नहीं किया है, डू विज़िट टू। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी लोग हैं मतलब अपना हेयर के बारे में कुछ भी सोचने के करवा रहे हैं, ऐसे ही कहीं से भी नहीं करवा लें। मैं ये नहीं बोलती कि ज़बरदस्ती आप इधर ही आ जाओ, मतलब मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि आओ एक बार विज़िट करो, अगर अच्छा लगता है तो दोबारा आना, नहीं लगता तो मत आना, है ना। मुझे अच्छा लगता है, मैं बार बार आती हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा तो आप ही आना। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर बालों के रिलेटेड मेकअप एंड और कुछ भी करवाना आप यहाँ से करवा सकते हैं। और मतलब ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा कॉस्टली, वैसा भी नहीं है, वेरी रिजनेबल रेट है। और यार रेट का क्या है, हम भी कहीं भी जाते हैं तो इतने सारे पैसे फूंक देते हैं, है ना। तो कुछ अच्छा काम कराओ जो कि आपके ना बाल डैमेज हों, ना कुछ फेस पे पिंपल आए अगर आप मेकअप करवा रहे हो, है ना। ये चीज़ें हम चाहते हैं, लड़कियां और क्या चाहती हैं, यही चाहती हैं कि हम हमारे बाल ख़राब ना हो, हमारा फेस ख़राब ना हो, और जो ऐसी सब चीज़ें उधमपुर में मिल रही हैं तो हम क्यों ना लें भाई, है ना, इतना तो बनता ही है। अब हम आपको मिलेंगे जब मेरे बालों का रिजल्ट आ जाएगा, उसके साथ मैं आपको मिलूंगी। तो वेट नहीं हो रहा वो तो अपने न्यू लुक देखने के लिए वेट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
मुंडी आप लेडीज सैलून में क्या कर रहे हो? क्यों उसको सॉरी बोल दो ना इसमें कि टाइम नहीं था उसके लिए। अब भाई हमारे भैया ऑल राउंडर है, लड़कों की भी करती हैं और लड़कों की भी करती हैं। क्या बात है, मुझे कैसा फील हो रहा है आपको इतना अच्छे सैलून में? नहीं तो जो लड़कों के सैलून होते हैं वो ऐसे ही होते हैं देसी से, है ना? साइड से भैया ब्रेक लेना है। क्या करना? बता दिया मैंने। खुश इतने क्यों हो रहे यार? खुशी क्यों हो रही है इतना अच्छा सैलून देख के या इतनी अच्छी सर्विस देख के? गाइस लाइट है नहीं, तूफान चल रहा था तो अभी गिले हैं बाल तो इसलिए आपको अच्छे से दिखेंगे नहीं, तो ये बाल दिखेंगे आपको कल जब होगा मेरा मेकअप। सुबह का व्लॉग स्टार्ट करते ही यही दिखेगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग खत्म करती हूँ। होप करती हूँ आपको मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय।